अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ बना रहे हैं चिकन हलीम की रेसिपी। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कप दलिया, 2 टीस्पून उड़द की दाल, 2 टीस्पून मसूर की दाल, 2 टीस्पून मूंग की दाल, 2 टीस्पून तुअर की दाल, 2 टीस्पून बासमती राइस, 2 टीस्पून चने की दाल को अच्छे से धोकर हमें 2 से 3 घंटे के लिए भिगाकर रखना है। ये देखें, ये अच्छे से भीग चुके हैं। हम इसे प्रेशर कुकर में डालकर 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गला लेंगे। 4 से 5 सीटी के बाद ये देखिए दालें हमारे अच्छे से गल चुकी हैं। इसे ठंडा कर दरदरा हम पीस लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर में लेंगे 1 kg चिकन। अब इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाले जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, कारनफूल, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, कबाब चीनी और 1 टेबल स्पून शाहजीरा। इन मसालों को हम अच्छे से ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ऐड करेंगे कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और 3 से 4 तली हुई प्याज। इसे भी इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। अब इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप घी। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसे हम प्रेशर कुकर लगाकर पका लेंगे। फिर हम लेंगे 10 से 12 बादाम और 10 से 12 पिस्ता और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। 3 से 7 सीटी के बाद हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बादाम पिस्ते का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर और 5 मिनट तक इसमें पका लेंगे। चलिए इसका खोरमा रेडी है। अब इसमें से हम चिकन पीसेस को अलग कर रख लेंगे और ये खोरमे को हम सेपरेट रख देंगे। चलिए इस चिकन पीसेस को हम अच्छे से श्रेड कर लेंगे। जो दालों का दरदरा पेस्ट हमने बनाकर रखा था, अब उसमें हम ये श्रेडेड चिकन ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तो अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हमने जो खोरमा रेडी रखा था उसे हम इसमें ऐड कर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्लो मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए हलीम की इस कंसिस्टेंसी आने तक आपको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है इसे। चलिए अब इसे हम ऐड करेंगे, ये है ड्राई रोज पेटल्स यानी सूखी गुलाब की पत्तियाँ। इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब इसे हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ घी। घी डालने से इसका टेस्ट और एनहांस होगा और अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे हम डालेंगे नमक, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप नमक टेस्ट कर ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम काजुओं को फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। इन काजुओं को हम सर्व करते वक्त यूज़ करेंगे। ये देखिए काजू हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। चलिए इन काजुओं को हम निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम स्टोव ऑफ कर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और ये भीगे हुआ ज़ाफरान यानी सैफरॉन अच्छी खुशबू के लिए। इसे हम सर्व करते वक्त यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हलीम हमारी रेडी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए हलीम हमने सर्व कर लिया है। अब इसे ऊपर से हम ऐड करेंगे रेड चिली और ज़ाफरान का तेल, उस पर हम ऊपर से सर्व कर लेंगे। अब गार्निश के लिए हम ऐड करेंगे तली हुई प्याज, पुदीना, तले हुए काजू, नींबू और अदरक, कटी हुई अदरक के साथ। ये देखिए डिलीशियस हैदराबादी चिकन हलीम इज़ रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।